क्लास 10 पी डी वाइस इंटर कॉलेज, आप लोगों का एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट है बेटा। ये लिखा हुआ है देखो, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त, मतलब एक नियत भाड़ा हो गया कि उसका एक, जैसे एक किलोमीटर तक तो उसका तय है कि वो 10 रुपये लेगा, ठीक है, इसके अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। जैसे एक किलोमीटर का तो हमारा निश्चित हो गया, उसका नियत भाड़ा हो गया, उसके बाद 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये, अगर वो 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलेगा तो 105 रुपये, और 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलेगा तो 155 रुपये है, ठीक है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। देखो वही माना नियत भाड़ा ₹X और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है ₹Y। अभी उसने बताया था कि एक नियत भाड़े के अतिरिक्त, देखो प्रश्नानुसार उसका नियत भाड़ा कितना है X, शुरू में कितने किलोमीटर एक्स्ट्रा चलाओ 10 किलोमीटर, और एक्स्ट्रा किलोमीटर पर भाड़ा कितना है Y, तो 10 पर कितना हो जाएगा 10Y, बराबर कितने रुपये हो जाते हैं 105, समीकरण फर्स्ट। ऐसे उसके बाद उसने लिखा है तथा 15 किलोमीटर पर, अभी 10 पर 10Y था तो 15 पर कितना हो जाएगा 15Y, बराबर 155 रुपये, समीकरण दो। अब उसने कहा था कि पहले तो रैखिक समीकरण बनाइए और उसके बाद जो समीकरण आएंगे उनको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो क्या करेंगे ऐसे, समीकरण फर्स्ट से एक्स बराबर 105 माइनस 10Y, समीकरण सेकंड में रखने पर ठीक है। देखो एक्स का मान समीकरण सेकंड में रख देंगे यहां पे 105 माइनस 10Y और प्लस के 15Y बराबर 155, यह आ गया 105, देखो इधर प्लस का उधर जाके कैसा हो जाएगा माइनस, और माइनस 10 प्लस 5 की 15 कितने हो गए 5, 155 माइनस 105 यह आ गया 5Y बराबर, इसमें से इसको माइनस कर देंगे 50 आ जाएगा 50, वाई बराबर आ गया 5 से इसको काट देंगे 10, वाई का मान कितना आ गया 10, वाई बराबर 10, समीकरण फर्स्ट में रखने पर। समीकरण फर्स्ट में रख देंगे वाई का मान, यहां पे लिखेंगे एक्स प्लस 10 × 10 बराबर 105, या एक्स प्लस 100 बराबर 105, यह x बराबर 105 माइनस 100, x का मान कितना आ जाएगा 5। अब देखो x का मान हमारा 5 आ गया, मतलब नियत भाड़ा तो उसका 5 रुपये है और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितने रुपये है 10। अब उसने पूछा था एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, देखो कितनी यात्रा किया उसने 25 किलोमीटर यात्रा तय करने के लिए भाड़ा, अभी देखो उसने 10 किलोमीटर करी तो x प्लस 10Y हो गया था, 15 करी x प्लस 15Y, अभी 25 करेगा तो कितना हो जाएगा x प्लस 25Y, x का मान कितना है हमारा 5 प्लस 25 × y का मान कितना आया 10, 5 प्लस 25 दशम 250, यह आ गया 255 रुपये आंसर।